ज़्यादा सेकंड डेरे लाने की क्या ज़रूरत थी, क्या इनको डर लग रहा है क्या? और मुझे काम एकदम कड़क लगा तो सैफ अली खान का, और एक गाने के वजह से पिक्चर नहीं चलती है। हेलो वन, मैं दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, रिबेल स्टार प्रभास की पिक्चर 16 तारीख को सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज होने वाली है। नाम है फिल्म का आदि पुरुष। उसका फाइनल यूनिट भूषण कुमार जी ने रिलीज कर दिया है। जी हाँ जी, कहाँ है फाइनल ट्रेलर ऑफ आदि पुरुष? हमारे साथ में हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। आपने देखा है ये ट्रेलर? यस यस। जानना चाहेंगे आपसे आपका ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन, कैसे लगा आपको? कहते हैं कि 500 करोड़ से ऊपर से ज़्यादा बड़ी पिक्चर है, बहुत बड़ी पिक्चर है। प्रभास है, लोगों के दिमाग में बाहुबली है, लोगों के वही दिमाग है, ये अपना बाहुबली आ गया। जब फर्स्ट ट्रेलर आया था तभी मैंने कह दिया था कि लोगों ने रामायण देख लिया है, और कोविड में भी उन्होंने रामायण फिर से रिलीज़ किया था, हर चैनल के ऊपर रामायण चल रहा था, तो लोगों के दिमाग में वही है। फिर उसी के ऊपर पिक्चर बनाने की क्या ज़रूरत थी? और आपने उसी का प्लॉट सेम है, कहानी सब कुछ वही है, फिर एनिमेशन और आप क्या बोलते हैं VFX बोलो, फोटो जो भी बोलो, तो वो तो वही दिख रहा है ना हमको तो। और फिर ये सेकेंड ट्रेलर लाने की क्या ज़रूरत थी? हमें लगा कुछ नयापन होगा, लेकिन उसी में भी तो वही बताया आपने, तो लोगों के दिमाग में तो वही है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो उस रामायण के बाद आज भी अरुण गोयल और सीता मैया जो कैरेक्टर ने रोल किया था, आज भी उसको राम जी और सीता माँ मानते हैं। आज भी कई साल हो गए, वो किरदार इस तरह से उन्होंने निभाया था। अभी हम प्रभास हमको लग रहे बाहुबली, कृति सरन सीता किसी एंगल से लगती नहीं है। ओह माय गॉड, उसका तो ग्लैमर दिख रहा है ना हमको, तो हमने उसको इसी रूप में देखा है, तो ये उसी रूप में लाने के लिए उसकी मेहनत बहुत लगती है। करेक्ट, उस रूप में जाने के लिए, तो ये बड़ा सवाल, बड़ा कन्फ्यूज है। और मुझे काम एकदम कड़क लगा तो सैफ अली खान का, दीक्षांत दे जो प्यार से आते हैं ना, क्या डायलॉग दिया उसने, तो ये मुझे एकदम कड़क लगा। प्रभास है मानते हैं, लेकिन पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा क्या है अभी। ओके, पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा प्रभास का कितना अच्छा इन्होंने कैरेक्टर किया है, किस तरह प्रभास ने काम किया। लेकिन एक झलक में आपको सैफ अली खान पसंद आ गए? जी, बहुत पसंद आ गए मुझे। सैफ अली खान किसी प्रमोशन पे नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। दो गाने हो गए, पहला ट्रेलर हो गया, ये दूसरा ट्रेलर हो गया। देखो जितनी बड़ी पिक्चर होती है, इतना आप बोलते 500 करोड़ की पिक्चर बनाई, तो सारे स्टारकास्ट को लेके जाइए ना, आधे अधूरे स्टारकास्ट को लेके आप प्रमोशन करते हो, ये क्या बात हो गई? और एक गाने की वजह से पिक्चर नहीं चलती है। जय श्री राम का मुद्दा लेके आप चल रहे हो, बैकग्राउंड में वही चल रहा है, बैकग्राउंड में फर्स्ट ट्रेलर में भी बैकग्राउंड में पूरा वही बजा, वही बजाया, सेकंड ट्रेलर में भी सेम है बजा, तो कहाँ से चलेगी पिक्चर आपकी? ये गाने के ऊपर नहीं चलती ना। अभी देखो, अभी पिक्चर एक तो आपकी कितनी लंबी है, वो एक कितने एनिमेशन है, कितने VFX है, क्या है, देखने के बाद पता चल गया पिक्चर अच्छी है कि नहीं। सही बात है। अगर बार बार आप रामायण की तरह बताओगे तो चलो काफ़ी एपिसोड थे, बार बार आएगा तीर लगा ये वो, तो लोग बोर हो जाएंगे। ओम राउत को एक बहुत बड़ा मौका था। जी हाँ, बहुत अच्छा मौका था, बहुत पैसे भी खर्चे किए, लेकिन वो वाला जो प्रोडक्ट आना चाहिए था बाहर, वो देखो रामानंद सागर यूनिट से नहीं दिखा। रामानंद सागर ने जो बना दिया वो अलग बात है, अब उसी बेस पे बनाओगे पर कुछ अलग हटके बनाइए, अब फिर कॉपी करोगे तो फिर बात तो कोई भी कंपेयर करेगा ही कि तो हमने देखा है, हमने यार बरसों से हम देखते आए इसी को, तो कोई नई बात नहीं है। अगर फर्स्ट और सेकंड ट्रेलर को कंपेयर करते हैं तो कौन सा ट्रेलर आपको पसंद? अरे फर्स्ट ट्रेलर ही अच्छा था, सेकंड ट्रेलर लाने की क्या जरूरत थी? क्या इनको डर लग रहा है क्या अब की पिक्चर अच्छी होगी तो चलेगी? सेकंड ट्रेलर की कोई जरूरत नहीं थी। ओके, डर रिलीज डेट आ गया ना अभी नजदीक, सेकंड ट्रेलर जब आता है तो पब्लिक में भी डाउट आ जाता है, डाउट आ जाता है यार क्या हो गया कि ये लोग सेकंड ट्रेलर भी रिलीज कर। अगर सेकंड ट्रेलर दमदार होता तो बोले अरे क्या मजा आ गया, लेकिन बात तो वही है, कोई नया बनने था इसमें, अभी तो वही VFX दिख रहा है। वो वानर सेना जिस तरह आपने देखा है स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे, कैसे लग रही थी? ओके, अभी देखो ये पिक्चर बड़े स्क्रीन की है प्लस 3D की है जी, जब तक मैं बड़े पर्दे पर देखूंगा नहीं तब तक मज़ा आएगा नहीं। और डायलॉग भी देखो वही है, पाप चाहे कितना ही बड़ा हो जीत तो सच्चाई की होती है, और ये डायलॉग काफ़ी सारे फिल्म में बोल चुके हैं लोग, तो डायलॉग भी कोई नया नहीं लग रहा है। ओके, काफ़ी डिसअपॉइंटेड लग रहे हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी। ओपनिंग कितनी लग सकती है? फाइनल ओपनिंग लगेगी पिक्चर को, ओपनिंग जबरदस्त लगेगी, क्योंकि सारे लोग देखने जाएंगे कि बहुत बड़ी पिक्चर है, जय श्री राम का मुद्दा है, तो पब्लिक तो आएगी।
और बात है फर्स्ट डे फर्स्ट शो छूटने के बाद पब्लिक रिएक्शन क्या है, उसके बाद पता चला कि पिक्चर चल दी गई। ओके विजय जी, थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको, दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा आपके ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन के लिए। ये जो सेकेंड ट्रेलर आया आदि पुरुष का, प्रभास, कृति सनन, सनी सिंह, सैफ अली खान, बड़ी स्टार कास्ट है, बड़ी बहुत बहुत बड़ी स्टार कास्ट, और हम आएंगे आपके पास में फर्स्ट डे फर्स्ट शो, यस, आपका ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन जानने के लिए पिक्चर पे, क्योंकि आप और हम दोनों देखेंगे, 3D में भी देखेंगे और 2D में भी देखेंगे, और देखेंगे कि लोगों का रिएक्शन क्या है, 3D का रिएक्शन और 2D का रिएक्शन, फिर हम सच्ची बात बताएंगे। एब्सोल्युटली विजय जी, अच्छा अच्छा नहीं सच्चा सच्चा रिव्यू देंगे, और आप एक आम आदमी की आवाज़ हो, आम आदमी आप पे बहुत भरोसा करता है, क्या बात, और जब भी आपका रिव्यू आता है तभी बॉक्स ऑफिस पे लाएंगे। थैंक यू थैंक यू।